सियासत तूने कमाल कर दिया, गरीब को गरीब अमीरों को माला माल कर दिया। सियासत और सियासतदानन के वह खबर हम लेके आए हैं। तो अपना पंजर के बहुत बहुत स्वागत है ये विंध्य के पहल बघेली न्यूज चैनल में। सबका हम कनिष्क तिवारी प्रणाम करी थे। अब खबर के शुरुआत करी थे कि सियासत मध्य प्रदेश के कुछ अलग अंदाज बयां कर रही है। हालात यह है कि वह अंदाज माँ अब कहो न कहो जनता के दर्द जो है दिखाव शुरू हुई और वह तब तक जब तक उपचुनाव न हो जी। तो उन्हें से या शायरी से या पूरी खबर के शुरुआत करें। अब अपना पंचायत का मूल खबर में ही थे कि मध्य प्रदेश में चुनावन के आगाज हो चुका है, मतलब चुनाव से मतलब उपचुनाव। और वह उपचुनाव के आगाज जो है बहुत कुछ अब सामने ले आई। यदि बात की जाए राज्यसभा के जो है चुनाव के इंतजार रहा, थोक सक्रियता दोनों पार्टी के कम रही। कहे कि कहो न कहो पेशो पेश की स्थिति तो बहुत नहीं रही, किंतु जो हालात मध्य प्रदेश के मार्च से बदले हैं वह वर्तमान के दौर जो है, चाहे कितना कोरोना आ जाए चाहे कोनो महामारी आ जाए, सियासत और सियासतदान जो है हमेशा सुर्खी में रहे हैं। मध्य प्रदेश के 24 सीटों में उपचुनाव है जौने कले के। अब दोनों दल मध्य प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा जो है अब मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा लग है कि यह जो प्रमुख जो है युद्ध क्षेत्र जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र ही जौने माँ दोनों पार्टी के द्वारा जो है अपन पूरी ताकत जो है झोंक दीन जी। सबसे बड़ी बात कि दोनों पार्टी में एक बहुत बड़ी जो है विकट समस्या चल रही है। समस्या यह है कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की सरकार ही कांग्रेस भी पक्ष में है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसानी किसानन के दम पर जो है सत्ता में जरूर आई, किंतु 15 महीना मात्र सरकार में रही पाई। किंतु अब यदि बात की जाए तो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष के चुनाव करे है, और दूसरे ओर भाजपा का सबसे बड़ी चुनौती है कि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार करे है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चयन कर पावल ला गया है, भाजपा मंत्रिमंडल नहीं गठित कर पाई रही है। काहे कि उपचुनाव के दबाव है। उपचुनाव का है कि यदि कांग्रेस के बात की जाए तो कांग्रेस कई एक खेमन में बटी है, वह में भाजपा में खेमाबाजी है, किंतु संगठन के दबाव के चलते, संघ के दबाव, हाईकमान के दबाव के चलते थोका आजादी कम कहो न कहो भाजपा में कहा जाता है कि नहीं आए। ये वजह से खुल के सामने नहीं आवे, किंतु कांग्रेस के जो है कहो न कहो बात जो है खुल के सामने आ जाती नेतन के। ये वजह से अब साफ तौर पर हमको लगा कि जो पार्टी है मध्य प्रदेश की दोनों शीर्ष पार्टी है वो यह सोच रही है कि उपचुनाव के पहले युद्ध लड़ा जाए, फिर उसके बाद जो है ये दोनों कार्य का पूर्ण किया जाए। किंतु एमा बेहद लंबा समय है अभी उपचुनाव का, किंतु ऐसे पहले अब ये दोनों पार्टी का एमा फैसला लेकर पड़ी अंततः। किंतु अब आई थे उपचुनाव में, उपचुनाव की यदि बात की जाए तो ग्वालियर चंबल जो प्रमुख क्षेत्र है या कहा जाते कि सिंधिया के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, जहां से 16 विधायक मतलब कुल सिंधिया के साथ जो है 22 विधायक भाजपा में पहुंचे। किंतु यह दौर की यदि बात की जाए तो 22 विधायक में ग्वालियर चंबल जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और भाजपा की यदि स्थिति की बात की जाए तो भाजपा केवल महज 10 सीटन में सरकार गठन करे के ताकत ले आ सकते हैं। किंतु कांग्रेस के साथ एक बेहद चुनौती है, कहे कि उनके पास जो है 92 सीट केवल है और उनका कुछ ज्यादा संघर्ष करे पड़ी 117 सीट तक पहुंचे खातिर। जौने माँ या आप कहो न कहो दावा दोनों पार्टी कह रही है कि हम 24 में 24 जीतब। शिवराज जो है यह दावा कर रहे थे कि हम अपने योजना के दम पर चुनाव जीतब, और कांग्रेस यह दावा कर रही थी कि हम अपने संगठन का दम पर अब चुनाव जीतब। कहे कि हाल ही में भी कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, मीटिंग रही, जौने माँ वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो है जिम्मेदारन का बुलावा कर रहा कांग्रेस के, और वह जिम्मेदारन का यह कहा गा कि वह क्षेत्र में अब युवा चेहरा ढूंढे जाए, उनका जो है संगठन विस्तार में शामिल किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगन का कांग्रेस में शामिल करे के प्रयास किया जाए, और संगठन के पहले विस्तार हुई फिर उसके बाद जो है आगामी दिनन में नेता प्रतिपक्ष के जो है घोषणा की गई। पहले संगठन के विस्तार फिर नेता प्रतिपक्ष के बाद भाजपा दावा कर रही थी, भाजपा संगठन कहा थी हमारा संगठन जो है विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, और दूसरा जो है मंत्रिमंडल के विस्तार कहन कहो टेढ़ी खीर ही।
यदि बात की जाए भाजपा के तो टेढ़ी खीर ही कहे कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है बेहद जो है कहो न कहो हंगामेदार हो सकते कहे कि सिंधिया समर्थक का जो 22 लोग उनके खेमा में पहुंचे हैं भाजपा के खेमा में उनका कहो न कहो उनके क्षेत्र में चुनाव है। अब चुनाव है तो मंत्री पद चाहिए या फिर कौन ऐसा बड़ी दायित्व चाहिए जो उन्हें कहूँ जनता के सामने परोस सकें और जनता से वोट मांग सकें। कहे कि ये वोट के जो राजनीति है बेहद दिलचस्प राजनीति है कि एक बे वोट भर मिल जाए फिर उसके बाद तो 5 साल का फुर्सत नेताजी चाहे कोई हो पार्टी कौनों दल हो किंतु वोट जो है बेहद अहम है किंतु वह दिन तक जब तक वो पर ही नहीं जाए परे के बाद फिर खेल खत्म। 5 साल एक बेहद शांतिपूर्ण माहौल क्षेत्र में दिखा थे किंतु यह दौर जो है 24 सीटों के जो उपचुनाव है बेहद अहम है दोनों पार्टी के लिए दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। यदि भाजपा अपन अस्तित्व बचावे चाहती तो ओहू के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे पड़ी और कांग्रेस का सत्ता में वापसी करे खेती अच्छा प्रदर्शन करे पड़ी। यह पूरे मामला में जब पूरी बात यह है कि उपचुनाव जो है बेहद दिलचस्प हुई और यदि बात की जाए जो माना थी ये चुनावी कहा जाए कि जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि 90% यह तय होते हैं कि जेकर सरकार होती वह उपचुनाव में जीत हासिल करत है। अपवाद स्वरूप कुछ एक ऐसा चुनाव भी हैं जोने माँ यह में हालात होते कि उपचुनाव अपोजिट पार्टी कबो कबो जीत जाती जैसा अपना चित्रकूट के चुनाव दिखे रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार रही चित्रकूट माँ नीलांशु चतुर्वेदी विधायक बन गए रहे तो मतलब अब बेहद जो है दिलचस्प चुनाव हो जाल लागे। ए माँ सबसे बड़ी बात कि बहुत दिना से संगठन के उपेक्षा करे वाले कांग्रेस के कमलनाथ अब संगठन के कहो न कहो दावा कह रहे हैं संगठन पर भरोसा जतावे के बात कह रहे हैं और संगठन के दम पर चुनाव लड़े के कहो न कहो तैयारी कह रहे हैं। तब देखब दिलचस्प हुई कहे कि यह दंगल जो है ग्वालियर चंबल में हुई और यह दंगल जो है दुई बड़ी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के मध्य प्रदेश में भविष्य तय करी और जोने में अपना पत्र बता दी कि कांग्रेस यहां तक कह रही है कि अभी हाल ही में सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में उनके द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किएगा और किसानन से यह कहा गया है कि अपना शिवराज सरकार की कमी बताई हम उनका चुनाव में मुद्दा बनाओ। आखिर किसान जो है यदि बात की जाए चुनावन में प्रमुख मुद्दा रहत है किंतु आज तक बदहाली के आंसू रो रहा है। किसान हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है और एहू दर की कहा थी कि किसान चुनावी मुद्दा हुई तो देखा दिलचस्प हुई कि हालात किसान के सुधरे थे या सरकार के। तो यह रही बड़ी खबर जो उपचुनाव से जुड़ी है। आपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब कहे कि वैश्विक महामारी हमका अपना का पहचाने नहीं छोट का गलती हमका अपना का एक बड़ी विडंबना बड़ी विकट परिस्थिति में डाल सकती है। ऐसे आपन बहुत ख्याल रखब आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करब कहे कि वह अपना के जिंदगी से जुड़ा ऐप है बिल्कुल मुफ्त है कहे कि वह अपना का और अपने के परिवार का सुरक्षित रखे के एक यह कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।